अस्सलाम वालेकुम, मैं नसरीन, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन मसाला। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और ये बैचलर रेसिपी है। बैचलर भी इसको आराम से बना सकते हैं। इसके लिए मैंने लिया है ये 400 ग्राम चिकन। ये मैंने छोटी बोटी कराई है चिकन की, बड़ी बोटी नहीं कराई है। इसमें डालूंगी मैं, सबसे पहले इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे हम 1/4 चम्मच मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। मिक्स कर देंगे इनको हम और इसको हम मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। मैंने छोटे पीस इसलिए बनाए हैं ताकि इनमें मसाला अच्छे से अंदर तक चला जाए। अब मैं चिकन मसाला के सारे मसाले दिखा देती हूँ। चिकन इतना हमारा मैरिनेट हो रहा है, इसके लिए मैंने लिए हैं ये 2 बड़े टमाटर, इनको फाइन चॉप किया है, 2 प्याज मीडियम साइज, इनको भी फाइन चॉप किया है, 3 हरी मिर्च ली है हमने, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया है, इनको हम काटेंगे। ये 2 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 2 चम्मच हमने बेसन लिया है, 1/4 चम्मच हमने गरम मसाला पाउडर लिया है और ये थोड़े से खड़े गरम मसाले लिए हैं। इसमें मैंने ली है थोड़ी सी जावित्री की पत्ती है, 4-5 काली मिर्च, 2 हरी इलायची, 2 लौंग और थोड़ा सा जीरा। ये हमने 1/2 चम्मच नमक लिया है, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है। नमक और मिर्च हमने मैरिनेट चिकन जो किया है उसमें भी डाला है। मिर्च और नमक आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। थोड़ी सी 2 टेबल स्पून हमें दही चाहिए इसमें। मसाला चिकन बनाने के लिए हमने कढ़ाई गर्म करने रख दिया है। इसमें हमने ऑयल डाला है 50 ml, 50 ml ऑयल चाहिए हमें इसके लिए। इसमें हम ये प्याज डाल देंगे। प्याज को हम हल्का सा लाइट ब्राउन करेंगे। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है, आप देख सकते हैं, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे ये साबुत गरम मसाला। चला देंगे इसको और ये जो हमारे मसाले हैं इन सबको हम मिक्स कर देंगे एक जगह। अब हम इसमें डालेंगे ये टमाटर। ये टमाटर और प्याज को भूनते हुए काफी टाइम हो गया है, इसका पानी खुशक हो चुका है। अब हम इसमें ये सूखे मसाले डालेंगे ताकि ये भी भुन जाए, बेसन वगैरह सब चीज इसमें। इसको हम बहुत अच्छे से भूनेंगे ताकि बेसन का कच्चापन निकल जाए। ये देखिए सारे मसाले और बेसन बहुत अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे ये मैरिनेट चिकन। मिक्स करेंगे, इसको डाल के भी हम भून लेंगे और इसमें ये अदरक और हरी मिर्च भी डाल देंगे, लंबा लंबा काटा है हमने इनको, भून लेंगे इसको हम। ये चिकन डालकर हमने भून लिया है अच्छे से। अब हम इसमें पानी डाल देंगे 1 कप। मिक्स करेंगे, दही डाल देंगे, मिक्स कर देंगे और इसको हम ढककर स्लो आंच पर पकाएंगे चिकन गलने तक। आप चाहें तो इसमें एक सीटी भी लगवा सकते हैं कुकर में। चिकन को पकते हुए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं स्लो आंच पर, आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है। मैं देख लेती हूँ ये गला है नहीं। ये देखिए चिकन हमारा बिल्कुल गल चुका है।
और ये मसाले आपस में कितने अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसको ढक देंगे और चूल्हे को हम बंद कर देंगे 5 मिनट बाद, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। इसको डिश आउट करने से पहले इसके ऊपर हम हरा धनिया डाल देते हैं थोड़ा सा। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये लीजिए, तैयार है हमारा मसाला चिकन। इसको मैंने हरे धनिया के पत्तों से गार्निश किया है, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आता है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार आप मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। इसको नान के साथ, चपाती के साथ, चावल के साथ, किसी के भी साथ खाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर जरूर दबा लें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।